गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं? तो गुड मॉर्निंग सर। अच्छे हैं। मार्केट तो टूट गया। कल हमने अपने ग्रुप में अपडेट भी किया था कि आज मार्केट गिरने वाला है, और देखिए जैसा एक्सपेक्टेशन था, जैसा आपने भी प्रेडिक्ट किया था, जिस लेवल पे आके रुकेगा, अभी एक्चुअली उसी लेवल पे मार्केट आके खड़ा है। हमने रात में ही अपडेट दे दिया था कि नैसडैक 5% डाउन है, और आप रात से ही कंफर्म थे कि मार्केट आज गैप डाउन में खुलेगा। जी यही मतलब जब पोजीशन रहता है ना, तो रात रात भर ऐसे ग्लोबल मार्केट देखते रहते हैं। नहीं वैसा कुछ नहीं, लाइक बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था, तो फिर मैंने भी खोल के देखा था, अरे हाँ ये तो ऐसा है। फिर और भी ग्रुप से मैंने अपडेट किया कि लोग थोड़ा सा मेंटली वो लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि अच्छा हाँ, वरना सुबह उठ के देखेंगे और देखेंगे अरे पोर्टफोलियो तो लाल है, निफ्टी 2% गिरा हुआ है, तो फिर वो एक शॉक लग जाएगा लोग को। और नहीं, अगर मुझे सवेरे से 2-3 लोग फोन किए, पूछ भी लिए हैं कि सर क्या हुआ, नेगेटिव क्यों है मार्केट, शायद उनको अपडेट नहीं आया या फिर अवॉइड किया है मार्केट को। नहीं, हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। वो एक्चुअली अगर लोग को पहले से कुछ पता चल जाता ना, तो वो अपना प्लान करके रखते हैं कि अगर उनको कल मार्केट अगर गिरता है तो कौन से शेयर्स में उनको पोजीशन बनाना है, इन्वेस्टमेंट आइडिया वो लोग कुछ सोच के रखते हैं। तो ये था एक फायदा होता है, अगर आपको कोई न्यूज पहले से थोड़ा हिंट मिल जाता है कि कल क्या होने वाला है, तो आप उस तरीके से प्लानिंग करके रख सकते हैं आप। हाँ, सही बात है। जनरली क्या होता है, हम अगर देखिए, मार्केट किसी के होल्ड में नहीं है, लेकिन मार्केट का थोड़ा आइडिया अगर हो जाता है कि ऐसा खुलने वाला है, तो लोग कुछ अरेंजमेंट कर लें या फिर कुछ ऐड करने के लिए, कुछ फंड इकट्ठा करने की सोच लें, माइंड मेकअप हो जाता है। यही सही बात बताया आपने। जी एनीवेज, निफ्टी का निफ्टी चार्ट बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। निफ्टी डेली कैंडल चार्ट अगर देखें, तो जनरली हमने बताया था कि 16,850 का मेजर सपोर्ट है। बार बार यहाँ पर आके प्राइस रुक रहा था, मार्केट आके रुक रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर बार बार आके मार्केट रुक रहा था, तो अभी जब ये सपोर्ट टूटा, तो पूरा जाहिर सी बात है, मैंने तो टारगेट दे दिया था कि 16,000 तक भी मार्केट जा सकता है, ये मेजर सपोर्ट है। सर, अगर आप चार्ट को थोड़ा क्लीन कर दे तो जो लाइंस वगैरह हैं तो वो देखने में थोड़ा क्लीन हो जाएगा। जरूर जरूर कर देता हूँ। ये हो गया आपका क्लीन वाला चार्ट। जी मैं एक्चुअली निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करता रहता हूँ, तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन लगा दिया हूँ। ये निफ्टी स्पॉट का है, तो ये था मेजर सपोर्ट। ठीक है, 800, ये 850 का फ्यूचर में दिखा रहा है, ये प्रीमियम और डिस्काउंट की वजह से। और स्पॉट में अगर देखें तो 16,800 का सपोर्ट था और उसको तोड़ा, तो अभी नीचे है। जनरली आप अगर देखें तो प्रीवियस यहाँ पर ही आके मार्केट फिर से गया था, तो ये अभी भी मार्केट एक मेजर सपोर्ट जोन में भी ट्रेड हो रहा है। तो अभी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहूंगा, अगर मार्केट यहाँ से 40-50 पॉइंट और तोड़ता है, तो सेल साइड में आप वेट कर सकते हो। तो 15,500 तक, सॉरी 16,000, 15,500 तक भी मार्केट जा सकता है, अगर नेगेटिव ट्रेंड ऐसे ही रहा तो। बहुत सारे ग्लोबल क्ल्यूज है जिसके वजह से ये मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे कि यूक्रेन का उधर वार चल रहा है, नैसडैक उधर आईटी मार्केट टूटा हुआ है, और इधर इंटरेस्ट रेट में भी हाइक किया हुआ है। जी। तो अभी जो ऐसे आपने हैं। और बताया ना, अगर नहीं जी यू बोलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। और अगर देखा जाए जो की इंडिकेटर कहा जाता है, जिससे हम इकोनॉमी को नापते हैं कि हाँ ये अगर भाग रहा है तो हमारी इकोनॉमी भागेगा, तो वो है कॉपर। कॉपर ज्यादातर लोग खरीदते कब है, जब व्हाइट गुड्स खरीदते हैं। व्हाइट गुड मतलब आपका एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये परचेसिंग कैपेसिटी दर्शाता है। तो लगभग 2 महीनों से कॉपर का प्राइस भी बहुत तेजी से गिर रहा है, तो ये कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो स्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। एनीवेज, ये भी आके सपोर्ट लेवल पे रुका है 200 मूविंग एवरेज में। अगर यहाँ से वापस चलता है तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, अगर यहाँ पे टूटा तो फिर से एक नेगेटिव रैली देखने के लिए मिलेगा। जी सर, एक्चुअली कॉपर के बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, आपने बताया। इसको अगर सर और आप कुछ कंफाइन करके हमारे व्यूअर्स को और कुछ डिटेल्स बता सकें कॉपर के बारे में। कॉमोडिटीज बहुत ही कोरिलेटेड होता है इक्विटी मार्केट से। तो जनरली जैसे ऑटो सेल्स डेटा भी मार्केट के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। लोग कब गाड़ियां खरीदते हैं, जब उनका परचेसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है।
तो जनरली हर महीने के 1 तारीख को ऑटो सेल्स डेटा आता है, तो उसको पढ़ना जरूरी है। तब आपको पता चलेगा कि लोगों के पास पैसा है या नहीं। लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो खर्चा करेंगे, इकोनॉमी डेवलप होगा और मार्केट से पैसा निकलेगा भी नहीं। और जैसे ही मार्केट खराब होगा, लोगों के पास पैसा खत्म होता है, तो वो खर्चा भी कम खरीदते हैं, इकोनॉमी स्लो होता है और उसके साथ ही मार्केट से पैसा निकाल देते हैं, तो इससे मार्केट डाउन चला जाता है। तो जनरली ओके कॉपर का यूज जो होता है, जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स में ज्यादा होता है, कॉपर, एसी, रेफ्रिजरेटर, तो ये सारी चीजें अगर लोग खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है, तो ये की इंडिकेटर है। आप अगर देखोगे 2020 में मार्केट क्रैश के बाद पहले कॉपर भागा था, उसके बाद ही मार्केट उसके पीछे पीछे भागा था। तो कॉपर की इंडिकेटर है इकोनॉमी का, इसको आप हमेशा ट्रैक करते रहिए। ठीक अच्छा ओके फाइन सर, थैंक यू सर। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि कॉपर इतना ज्यादा रिलेट करता है हमारे इकोनॉमी के साथ। कॉपर, क्रूड, डॉलर इंडेक्स, ये सारे कोरिलेट करते हैं, लेकिन आप कोई गिरता है तो अच्छा है, कोई बढ़ता है तो अच्छा है, ये कोरिलेशंस आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें ही हम देते हैं हमारे जो कोर्स है उसमें, ये सारे डिटेल्स देते हैं, तो लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को पहले से भी थोड़ा नॉलेज हो जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस दिशा में हो सकता है। जी सर चलिए, थैंक। हाँ उसके साथ थोड़ा आज के सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ठीक है, जी। सेक्टर परफॉर्मेंस अगर आज के बारे में देखा जाए, आज नेगेटिव मार्केट में भी हो सकता है कुछ पॉजिटिव स्टॉक्स देखने के लिए मिले। देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिख रहा, टेलीकॉम। टेलीकॉम, टेलीकॉम हल्का सा प्रॉफिट है इसमें, ये तो पहले से गिरा हुआ है इसलिए इसमें से कुछ बढ़ा हुआ कुछ नहीं है। और अगर देखा टेलीकॉम जाए सबसे, हाँ सर, टेलीकॉम में जी कौन से शेयर से वो शो होगा क्या? हाँ, जो हो सकता है टेलीकॉम जी टे में, भारतीय एयरटेल पॉजिटिव है आज, 2%, 2.5%, 2.80% पॉजिटिव है, ओके और टाटा टेली सर्विसेज पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव ट्रेंड में है आज। मार्केट गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव में है। देखिए सिंपल सी बात है, अभी आप मार्केट में ऐसे स्टॉक्स चुने जो डेट फ्री हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण पैट के ऊपर उनका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट बहुत ह्यूज अमाउंट पे करेंगे, तो डेट फ्री स्टॉक्स भागेंगे। तो अभी अगर देखें, जिस दिन आपका आरबीआई डेटा आया उस दिन ब्रिटानिया बहुत तेजी से भागा था, तो आपको आइडिया लेना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो डेट फ्री है। अगर आपको जानना है कौन कौन से स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स हैं जो डेट फ्री है, आप कमेंट में मेंशन कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। जी। और देखा हमारे जाए तो नंबर भी सर ऊपर ज्यादातर, में मेंशन है, तो अगर कोई चाहता हमें व्हाट्सएप भी करके व्यूअर्स पूछ सकते हैं, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए या कुछ सजेशंस चाहिए किसी स्टॉक के बारे में, तो वो हमें व्हाट्सएप पे या कॉल करके बात किया जा सकता है। राइट, नेगेटिव मार्केट में भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिव है, इसका कारण वो उसका भी डेट कम ही होगा। मैंने देखा नहीं उसके फंडामेंटल्स, चेक करके मैं बता सकता हूँ बाद में। एनीवेज, और सारे सेक्टर्स गिरे हुए हैं, सबसे ज्यादा जो गिरा हुआ है मैं देख रहा हूँ एग्रीज में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, 2.27% आज एक दिन में गिरा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 2.55% का गिरावट, डाइवर्सिफाइड स्टॉक जो है, फाइनेंस में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, 2.90%। और अगर देखा जाए वैसे ज्यादातर ज्यादातर अच्छे सेक्टर्स में 2-3.5, रिटेल में 3.5-3.14% का प्रॉफिट जी सबसे बुकिंग हुआ ज्यादा है। रिटेल में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और साथ में आईटी भी वैसा ही है। आईटी में भी 2.9% का गिरावट है आज। आईटी, हाँ जी, तो जनरली आपका पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव है तो मत सोचिए कि आपका ही पोर्टफोलियो नेगेटिव है, भारत के ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट में गिरावट आप बोल सकते हो। तो ठीक है, और कुछ मैडम आपके पास कुछ डेटा है जो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं? सर देखिए, अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि अभी बाई कॉल बाई साइड में काम करना वो ज्यादा सही नहीं रहेगा, तो आज अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में अगर बात करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारे व्यूअर्स बाई करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में।
जी मैडम, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। मार्केट जब गिरता है, ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी सेल साइड में मिलता है, बाई साइड में आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आइडियाज अगर देखा जाए, मैं अभी एक अच्छे डेटा में जा रहा था जिसमें मैं देखा कि टीसीएस से बड़ा प्रॉफिट टाटा स्टील लेके आया है। तो ये प्रॉफिट इस कारण हुआ है कि कॉमोडिटी साइकिल में रॉ मटेरियल्स के कारण और डिमांड के कारण हुआ। तो उसी चलते हुए एक स्टॉक है माइथान अलॉय, तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। माइथान अलॉयस, ये शेयर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कैश बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है, डेट भी बहुत कम है और आके सपोर्ट जोन में रुका है। तकरीबन 1186 में अभी ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक एक बाई हम कर सकते हैं, बाई इन एवरी डिप कर सकते हैं। अगर मार्केट गिरता भी है तो इसे और ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है कंपनी। और अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा बात करें, और जितना मुझे नॉलेज है मैडम, आपके पास भी मैथान अलॉयज है राइट? जी सर, मेरे पास भी लगभग 900 के एवरेज प्राइस में बाई है मेरे पास भी अभी। मैंने कुछ दिन तो पहले ही आपके गिर की रहा है, इसके बाद भी आपका ग्रीन में है मैथान अलॉयज राइट? जी, और ऐसे यही तो होता है इन्वेस्टमेंट आइडिया, वो आपको मे बी पहले 1 साल में परेशान करेगा लेकिन वो कुछ समय के बाद वही आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। इन्वेस्टमेंट आइडिया मार्केट में तीन सारे नेगेटिव होंगे लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट आइडियाज पॉजिटिव में बने रहेंगे जी, आपके पोर्टफोलियो। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए सर। राइट राइट सही। तो यहाँ पे अगर देखे तो 3,500 करोड़ का कंपनी है मार्केट वैल्यूएशन, तो इसे स्मॉल कैप हम बोल सकते हैं। PE 5 में ट्रेड हो रहा है, ROE ROC भी बहुत अच्छा है। करंट रेशियो जो मुझे बहुत पसंद है, डेट टका होना चाहिए 6.50 है, कैश रिच है, ज्यादा कैश पकड़ा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। कि ज्यादा कैश पकड़ के रखना मतलब कंपनी मैनेजमेंट को कैश का यूटिलाइजेशन पता नहीं है, इस टाइप का सोचता है। लेकिन ऐसे हालत में जब युद्ध चल रहा हो ग्लोबली, तो उस समय तो कैश पकड़ना सही बात है, कैश इज किंग हो जाता है। और जी अगर देखे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए, 10 साल पहले 30,000 करोड़ का कर रहा था, 30 करोड़ का कर रहा था, अभी 661 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। तो ये प्रॉफिट जंप है ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा है। हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ाते हैं जो कॉमन मैन भी पढ़ सके, एवेल्युएट कर सके। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो कैश डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड है उसके हिसाब से अभी करंट मार्केट प्राइस, सॉरी अभी ये कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू तकरीबन 5,500 करोड़ का होना चाहिए, जो कि मार्केट वैल्यू 3,454.75 करोड़ में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से 20-30% का अगर बढ़ता है तब जाके ये फेयर वैल्यू में पहुंचेगा, उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो ये स्टॉक रखना चाहिए, मतलब ऐड एक करना आप चाहिए बोल रहे इसके हैं कि पोर्टफोलियो। अंडर वैल्यूड, अगर हम पी कंपेयर करें सेक्टर का और स्टॉक का, तो वो भी हाफ में अभी है, जहां पे इंडस्ट्री का पी हमें 10 का है, वहीं पे स्टॉक का पी राइट हमें राइट 5.25 का मिल रहा है, तो ये भी अच्छी बात टू है। साथ में फाइव से अगर हाँ और मैडम ये जो पीई होता है, ये एनुअल एनुअल रिटर्न मतलब इस साल का अर्निंग्स और इस साल के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ये वैल्यूएशन इस साल के हिसाब से है, लेकिन डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड से क्या होता है ना, 10 साल का डेटा लिया और आने वाले 10 साल में कितना अर्निंग से बनाने वाले हैं उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं। तो ये डेटा आपको बताता है कि इस साल में जितना अर्निंग्स किया है उसके हिसाब से ये अंडर वैल्यू है या ना ओवर वैल्यूड है। लेकिन हो वैल्यू। सकता है ये कंपनी 10 सालों में लॉस करता आ रहा हूं, तो इसीलिए पास्ट डेटा को एनालिसिस करते हुए डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड से हमने पता किया है इसका अभी मार्केट वैल्यू 5 से 5,500 करोड़ का होना चाहिए, जो कि अभी अंडर वैल्यू है। तो ऐसे अंडर वैल्यू शेयर्स का मतलब ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यूएशन में पहुंच जाएगा और नीचे ना गिरे, हो सकता है यहाँ से भी गिरे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब थॉट ऐसा होना चाहिए, इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता, जितना नीचे जाए आपको ऐड करना है, ऐड इन एवरी डिप, एवरी 20% नीचे जाने पर आपको ऐड करना। जी सर, जैसा आपने अभी कुछ देर पहले ही बोला था ना कि अभी ऐसा सिचुएशन है कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके पास डेट नहीं है या डेट बहुत कम है। तो जैसा मैं आपकी स्क्रीन पे देख पा रही हूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो बस 0.01% का है, जो बहुत ही मिनिमम है, इतना वो नेग्लिजिबल आप बोल सकते हैं। नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है।
और अभी डेट टू अगर आप अगर देखें लोन फ्री कंपनी खरीदना अच्छी बात है, लेकिन हर इकोनॉमी में भी खरीदना अच्छी बात नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो डेट लिए हुए कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना भी पैसा और बैंक का पैसा है बैंक का और उससे भी ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तब आप डेट वाले कंपनीज ले सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो डेट फ्री कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे। जी, करेक्ट सर। अगर मैं आरओई और आरओसी की बात करें तो ये भी काफी अच्छा, कि आरओसी हमें 20% का देखने को मिल रहा है, वहीं पे आरओई में 16.4% है, बहुत अच्छा, मतलब कि इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरली मेटल में तो लास्ट 3-4 सालों से, अगर कोरोना से पहले देखा जाए, तो 6-7% से आरओई आरओसी बढ़ता नहीं था। अभी बहुत अच्छा डिमांड है और कॉमोडिटी साइकिल्स का जो अपॉर्चुनिटी मिला है इन सब कंपनी को, इसलिए आरओई आरओसी में बहुत अच्छा जंप मिला। सर, तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट अपॉर्चुनिटी और रहेगा, कुछ सालों में। मेरा एक जी रिक्वेस्ट रहेगा सर आपको, कि आप हमारे व्यूअर्स को अगर आरओसी और आरओई के बारे में कुछ हल्का सा ब्रीफ दे सकें कि वो क्यों ज्यादा अच्छा होता है या कम अच्छा होता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल्स बता सकें हमारे व्यूअर्स को तो। सिंपल सिंपली आप भी गूगल कर सकते हो, ये उतना बड़ा कुछ चीज नहीं है। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी ने जितना कैपिटल डाला है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बना रही है, 20% बना रही है, बहुत अच्छा है। उसी तरह आरओई रिटर्न ऑन एक्विटी, जो कंपनी का एक्विटी है, इक्विटी के हिसाब से कितना पैसा वो बना रही है, 16%। हाँ, ये जो एक्विटी है इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इक्विटी क्या होता है, तो एसेट में कितना अमाउंट का इक्विटी है उसे जानने के लिए वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है, तो आप सर्च कर सकते हो। अगर बहुत ही आसान तरीके से समझना है तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पूरा डिटेल्स में ये सब सारी चीजें बता दिया जाएगा। ठीक यस है, सर, थैंक यू। तो